कविशाला में आप सभी का स्वागत है। किताबें एक ऐसा दर्पण होती हैं जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आप जिंदगी के हर पड़ाव, हर पहलू के बारे में जान सकते हैं। किताबें चाहे कहानी की हों, चाहे कविताओं की हों, या कोई भी नॉवेल हो, किसी भी तरीके की किताब, उस किताब से आपको सीखने को जरूर मिलता है और आपके लिए वो दर्पण का कार्य करता है। वो कविशाला का यही प्रयास है। कविशाला में जो लोग लिखते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जो लोग इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़े हैं, उनको जो फिजिकल बुक्स हैं वो हम उन तक पहुँचा पाएं, जो अच्छे लेखक हैं। इसी प्रयास में कविशाला बुक्स करके कविशाला का इनिशिएटिव है, जिसमें जो कविशाला के अच्छे लेखक हैं, अच्छी कविताएं, जिनकी कविताएं बहुत पढ़ी जाती हैं वेबसाइट पे, उनको हम फिजिकल बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। उन्हीं लेखकों में एक लेखक हैं जिनको आपने कविशाला वेबसाइट में, कविशाला ऐप पे पढ़ा होगा, प्रदीप सेठ सलिल। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। जिंदगी का एक लंबा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे लगभग हर पड़ाव के लिए, हर इंसान के लिए, हर एज ग्रुप के लिए उनकी कविताएं होती हैं। अगर आप इस किताब को या वेबसाइट में या ऐप में कविशाला की उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो वो कविताएं लिखी गई हैं वो आपके लिए लिखी है, उन्होंने आपकी जिंदगी के लिए लिखी है। कोई भी किसी भी तरीके का जिंदगी का अनुभव हो, प्यार हो, ब्रेकअप हो, क्रोध हो, द्वेष हो, किसी भी तरीके का पड़ाव हो जिंदगी में, पड़ाव के लिए आपको कविता मिल जाएगी। मेरी पसंदीदा किताब है। किताब का नाम है वेदना के बिंब। कवर आप देख सकते हैं, कितना सुंदर कवर है किताब का, जो इनकी ही नातिन ने डिजाइन किया है। बहुत शानदार कवर है इसका। इस किताब में 83 कविताएं हैं। कविताओं के जब आप टाइटल पढ़ेंगे, हर टाइटल से लगेगा कि अपने आप में वो जो 3-4 का टाइटल है वो अपने आप में कहानी का व्याख्यान कर रहा है। कवितामयी रूपी में कहानी इंसान की लिखी गई है। तो मेरी कुछ पसंदीदा कविताएं जो मैं इसी किताब से आपके लिए पढ़ता हूँ। हो सकता है आपको ये कविताएं अपने कविशाला की वेबसाइट में या फिर जो प्रदीप सेठ सलिल के दूसरे माध्यम है कविताओं को आप तक पहुंचाने के, पाठकों तक पहुंचाने के, उनमें पढ़ी हो। कविता का जो शीर्षक है वो किरण किरण जोड़ी जीवन पर। सूरज सा कमरे ढलता, सूखे संबंधों में पलता, किरण किरण जोड़ी जीवन भर, अंत समय काजल में पलता। दिया सजाया उजियारे का, बूंद बूंद हो मोम पिघलता, क्यारी क्यारी बोए रिश्ते, बिरवा नागफनी का फलता, शहर तुम्हारा शहर हमारा, निर्मम चुप्पी सुगम निगलता। सूरज सा कमरे ढलता, सूखे संबंधों सा पलता। जीवन पे एक किरण होती है जो इस तरीके से पड़ती है, उसके बारे में प्रदीप जी ने कुछ बताने की कोशिश की है। एक 83 पेज पे कविता है, घर पर दुख की चढ़ी लताएं, दरिया में देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आईं, घर पर दुख की चढ़ी लताएं, इकलौते कमरे में आईं, चुन्नू का बस्ता है खाली, अभी किताबें घर ना आईं, ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई, छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आईं, चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आईं, दरिया में देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आईं। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। आप किताब पढ़िए। किताब पढ़ने के बाद जो सबसे एक जो प्रामाणिकता होती है कि लेखक ने सही लिखा है, गलत लिखा है, वो आपका फीडबैक होता है, आपका रिव्यू होता है। तो किताब के लिए आप अपना रिव्यू दीजिए। किताब अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कविशाला स्टोर पे अवेलेबल है। पढ़िए, खरीदिए, किताबें दूसरों को गिफ्ट करिए। किताबों से अच्छा तोहफा कुछ नहीं होता है। तो किताबें लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को गिफ्ट करिए और हमें बताइए आपको ये किताब कैसी लगी। इस तरीके की और किताबों के लिए जुड़े रहिए कविशाला के साथ में। धन्यवाद।